गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विनोद राठौर आज आपको बताऊंगा कि अपने घर में फेज और न्यूट्रल कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो आपका ये इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर से क्या है, फोर वायर आए हैं, यानी थ्री फेज और एक न्यूट्रल, यानी फोर वायर हैं। कितने वायर हैं? ये हमारे फोर वायर हैं, जिसमें आपका क्या है, एक न्यूट्रल है और तीन फेज हैं। आपका ये एक न्यूट्रल है और ये तीन आपके फेस हैं, एक आर फेस, एक वाई फेस, एक वाई बी फेस। तो अब देखिए, ये सबसे पहले आपका कहाँ आएगा, एनर्जी मीटर में आएगा। ये एनर्जी मीटर में आप देखिए, ये फेज और न्यूट्रल आए, एनर्जी मीटर से आपका फेज और न्यूट्रल आपके घर में आ जाएंगे। ये आपका घर है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सिंगल फेज सप्लाई में फेज व न्यूट्रल ज्ञात करना। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आप देखिए, इस प्रकार से फेज व न्यूट्रल चेक कर सकते हैं। देखिए, ये सपोज डेट आपका घर था और ये हमने चेक करने के लिए एक फेज टेस्टर ले लिया है, इसको हम कहते हैं फेज टेस्टर। इसमें यहाँ पे हम टच करेंगे, उंगली लगाएंगे और देखेंगे फेज कौन सा है। आप देखिए, ये हमने देखा इसमें ग्लो नहीं कर रहा है। ये एक सॉकेट है, सॉकेट में हमने इसको इंसर्ट किया, डाला, तो देखो ग्लो नहीं कर रहा है। अब इसमें डालते हैं, ये देखिए ग्लो कर रहा है, यानी ये हमारा फेस है और ये वाला हमारा न्यूट्रल है। इसी प्रकार से दूसरे सॉकेट में आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, इसमें आपका ये ग्लो नहीं कर रहा है और इसमें ये ग्लो कर रहा है। जो ग्लो कर रहा है जिसमें, वो हमारा फेज है और दूसरा हमारा न्यूट्रल है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।